से अस्सी परसेंट लेडीज ऐसी हैं जिनको चाहे वो अनमैरिड लड़की हैं चाहे वो मैरिड है उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो ऐसे पर्टिकुलर जो बीमारियां हैं उनके ऊपर भी योग काम करता है बिल्कुल मैम हर एक बीमारी पर योग काम करता है जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर के साथ साथ इंटरनली भी आपकी बॉडी को योग ट्रेंड करता है जैसे आप बोल रहे हो पी सबसे पहले तो मैम जैसे आज जितनी लग्जरीज आ गई जितनी फैसिलिटीज आ गई उसका हमने थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाने की बजाय इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया है कि उस पर ही डिपेंड हो चुके हैं अब गाड़ी ले ली तो गाड़ी इसलिए ली थी कोई लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने चलो आप कंफर्टेबल होकर जा सको अब ये 500 मीटर तक आपने जाना कुछ लेने उसमें भी हम गाड़ी में सवार होकर जाएंगे कि चलो यार मार्केट से कुछ सामान ले जाएं बल्कि हम पैदल जाके ले सकते हैं बट नहीं हमें तो गाड़ी में ए की हवा खाते हुए जाना है तो मैम हमारा लाइफ ऐसा हो चुका है घर का खाना हमें अच्छा नहीं लगता बाहर निकलेंगे रेस्टोरेंट्स में जाएंगे वहाँ खा रहे हैं घर में बनाया हुआ खाना आपको पता है कैसा बना है कितना आप ऑयल यूज कर रहे हो हाँ, कितने मसाले यूज कर रहे हो फ्रेश है कि हाँ, नहीं है सबसे बड़ी और बार सबसे बड़ी बात प्यार जो एक प्यार से आप वो चीज़ बनाते हो और बाहर आपको कुछ नहीं पता कौन सी चीज़ क्या डली है क्या नहीं कितनी कैलरीज है आप उसको नहीं मेजर कर सकते तो हमारा खाना पीना अच्छा नहीं है हमारा स्ट्रेस बहुत ज्यादा होने लग गया है जिसके कारण हमारे हारमोन्स हैं जो वो वो प्रोपरली उसका प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है और वो भी आपकी पीसीओडी में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है खाने पीने से प्रॉब्लम क्रिएट होगी पीसीओडी की दूसरा आपका हो गया स्ट्रेस नींद नहीं पूरी हो रही उससे आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी तो योग में हम क्या करते हैं जैसे प्राणायाम हो गया अच्छा या हमारा थोड़ी देर का मेडिटेशन हो जाता है जिससे कि आप स्ट्रेस रिलीज़ करते हो प्राणायाम से आप अपने माइंड को रिलैक्स कर देते हो एक ओरा क्रिएट कर लेते हो आप अपना और उस ओरा क्रिएट करने के बाद अपनी एनर्जी को आप चेंज करते हो और कुछ आसनस हैं जैसे मान लो कि आप वज्र आसन करते हो और हमारा बटरफ्लाई जिसको हम बोलते हैं भद्रासन हा, 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 उसको हा, हा, बोलते हैं वो कर लो आप अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है हमारा सेतुबंद आसन होता है आप उसको भी प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छा। तो भी आपको पीसीओडी में बहुत फ़ायदा करेगा और साथ के साथ एक और आसन है कोबरा पोस्ट बच्चे भी करते रहते हैं उल्टा लेट के अपनी बैक को स्ट्रेच करना जिसको हम भुजंग आसन बोलते हैं अच्छा। वो भी आपका पीसीओडी में बहुत हेल्पफुल है बट इसके साथ साथ आपको अपना लाइफस्टाइल भी अच्छा करना पड़ेगा और स्ट्रेस को भी कहीं ना कहीं रिलीज करना पड़ेगा और वो आपके योग से हो जाएगा जब आप प्राणायाम और ध्यान करोगे वो आपको मेंटली कनेक्ट करेगा और मेंटली आपको हिट करेगा रिलैक्स करेगा वहाँ से जब आप आसन का अभ्यास करोगे तो वो आपके इंटरनली जो भी हमारा पीसीओडी का प्रोसेस चल रहा है जो खराब हो चुका है उसको ठीक करने में हेल्प करेगा हम्म तो मंदीप जैसे कि अभी हम आपने मुझे आसन बताया कि पीसीओडी को ठीक करने के लिए हम ये वाले आसन बटरफ्लाई आसन भुजंग आसन जैसे कि आपने बताया कर सकते हैं अब मैं बात करूँगी अलोम विलोम की बहुत ही कॉमन आसन माना जाता है इसको और बड़े से बड़े छोटे से छोटा हर बच्चा इसको बड़ा ईजिली कर सकते हैं अलोम विलोम का पहले तो आप मुझे समझाओ कि अलोम विलोम प्रॉपर हर एज में हम कर सकते हैं और ये भी ऐसे खाली पेट करना है या किस समय करना है क्योंकि अलोम विलोम इतना सरल आसन है करना कुछ है नहीं आपको जस्ट चौकड़ी मार के बैठना है और सांस उलट पलट अपनी करनी है